पेन में रियल सम्राट को देखकर नयनतारा को समझ आ जाता है कि सम्राट प्रेम से इतनी नफरत क्यों करता है, क्यों सम्राट दूसरों को दर्द देता है, क्योंकि सम्राट दूसरों को दर्द देकर अपना दर्द भुलाने की कोशिश करता है। इसलिए तो जब मालती नयन से कहती कि सम्राट की वजह से ईशानी का एक्सीडेंट हुआ है, पहले तो नयन मालती से कहती कि सम्राट ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि सम्राट उसके साथ था। तब मालती से नयन को पता चल जाता है कि सम्राट ने ही मालती यानी कि नयन की माँ का फोन टैप करवाया था, उससे उसे पता चला होगा कि मोहित और ईशानी कहा है। मालती की बातें सुनकर नयन को पूरा यकीन हो ही जाता है कि ये सब तो सम्राट कर ही सकता है। नयन सम्राट को होश में लाकर उसकी माँ के सामने ले जाती है और सम्राट से कहती है कि देखो तुम्हारी वजह से उसकी माँ की क्या हालत है। सस्पेंस में कि मोहित और ईशानी की मौत हुई है, नयन सम्राट की फैमिली से रिवेंज लेने जाती है। आलिया तो ये तक देख लेती कि नयन में आकर नयन ने उसका मर्डर कर दिया। वैसे सीरियल में आज सम्राट नशे में इमोशनल होकर नयन को सच्चाई बताता है कि उसने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया पर उसे एक ब्रेक नहीं मिला कि वो अच्छा सिंगर बनकर मानसी की हर ख्वाहिश पूरी कर सके। और एक साल बाद मानसी उसे छोड़कर राघव के पास चल गई, इसलिए उसने उसके दर्द को ताकत बना लिया और सम्राट से रॉकस्टार सम्राट बन गया। नयन को समझ आ जाता है कि प्रेम सम्राट को मानसी का धोखा याद दिलाता है और इसलिए सम्राट प्रेम को नहीं अपना सकता। अब तो बस देखना तो ये होगा कि मोहित और ईशानी शादी कर कब सामने आएंगे। क्या रेवती की चाल समझ पाएगी नयन? क्या करेगा सम्राट जब नयन उसका साथ ना दे कि उसके प्लान फेल कर देगी? क्या सम्राट रेवती से सच जान पाएगा? जानिए सीरियल में सिर्फ स्टार प्लस पर।